नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव यूपी न्यूज, नजर हर खबर पर। सर, शस्त्र लाइसेंस के निरस्तीकरण के लिए मुख्यमंत्री ने भी आदेश दिया था, किस तरीके से आपको दोस्तों आगे प्रक्रिया बढ़ानी है? प्रथम चरण में जिन लोगों के खिलाफ आपराधिक मुकदमे दर्ज हुए हैं और आपराधिक प्रकरणों में उनकी संलिप्तता पाई जा रही है, उनके रिकॉर्ड्स छनवा करके उनके खिलाफ शस्त्र निरस्तीकरण की कार्रवाई हमारे द्वारा की जा रही है। इसके अतिरिक्त भी जो कोई ऐसा मेजर वायलेशन अगर हुआ है शस्त्र के लाइसेंसों की शर्तों के उल्लंघन के क्रम में, तो उसको भी हम चिन्हित कर रहे हैं। कारतूसों का भी एक वेरिफिकेशन हम लोग आने वाले समय में कराने जा रहे हैं तेज़ी से, जिसमें ये पता चल सके कि जो कारतूस इशू हुए हैं उनका कहीं दुरुपयोग तो नहीं हुआ है, तो इस संदर्भ में भी जो है कार्रवाई की जाएगी। प्रथम चरण में जो FIR दर्ज हुई हैं जिन लोगों के खिलाफ और उनकी संलिप्तता पाई गई, उनके खिलाफ कार्रवाई। थैंक यू सो मच।